बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी तेजी से बढ़ी है। जाकिर नाइक पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल हिंसा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर हिंसा और तांडव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, लोकतंत्र को वहां दफन कर दिया गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला है, इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे। शिवराज जी को बिल्कुल ठीक लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पर लोकतंत्र का गला शिवराज जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब के द्वारा घोटा जा रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों ने वीडियो में सबके सामने, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो भी जारी करी कि किस प्रकार पत्थरबाजी करी। अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर जी की प्रतिमा को जिस प्रकार बंगाल में क्षतिग्रस्त किया, वो इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मूल संस्कार और संस्कृति गुंडई करना है, जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अमित शाह जी के नेतृत्व में की। देखिए, ममता दीदी ने जो हिंसा का तांडव किया है, लोकतंत्र में उसकी दूसरी कोई मिसाल मिलती नहीं है। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, भाजपा के हत्याएं हुई है, और यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रोड शो में भी सुनियोजित ढंग से जो हिंसा की है, मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र को वहां दफन कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग का फैसला, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सवाल ये था कि स्थिति को नियंत्रित करके, और आज शाम तक प्रचार होना था, अब चुनाव आयोग ने जिन परिस्थितियों में फैसला लिया उस पर तो मैं कोई। शिवराज सिंह चौहान ने इस्लाम के उपदेशक जाकिर नाइक पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। जाकिर नाइक के पहले भी लेक्चर हो चुके हैं। श्रीलंका में तबाही, ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो वो वापस आ जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकी और देशद्रोही कांग्रेस के करीबी हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, और नाइक के बयान पर कांग्रेस क्या कहती है, ये राहुल गांधी स्पष्ट करें। इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। जाकिर नाइक ऐसे नहीं कह सकते, उनके पहले से भी लेक्चर्स करवाए गए आपके जानकारी में। एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके लिटरेचर से, जिसके विचारों से श्रीलंका में तबाही मचा दी आतंकवादियों ने, ये देश नहीं दुनिया के लिए खतरा है। और ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार आई तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस के करीब हैं, और वो समय समय पर इसका प्रकटीकरण भी करते रहते हैं। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, और उसका क्या कहना है जाकिर नाइक के बयान पर, राहुल गांधी स्पष्ट करें जवाब दें। कुल मिलाकर शिवराज ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासत को गर्मा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।